सेक्स पावर बढ़ाने के लिए ये करे पांच नेचुरल उपाय, दूर होंगी आपकी पार्टनर की शिकायतें। ये बात मैं आज करने वाला हूँ आपसे, वे आपकी सेक्स पावर कैसे बढ़ाए। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गायकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर बेड में टिकता नहीं हूँ, मेरी सेक्स पावर कम है, इरेक्शन नहीं आता है, इच्छा बहुत होती है मगर टाइटनेस नहीं आता है, टाइटनेस आता है या कठोरता आती है मगर जल्दी ढीला पड़ जाता है या जल्दी निकल जाती है, या फिर आता है और जल्दी वीर्यपात हो जाता है और फिर बाद में ढीला पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से लोग मेरे पास में आते रहते हैं, फ़ोन पे कॉल करते रहते, बताते रहते, वीडियो कॉल करते हैं, ऑफलाइन आते हैं, अकोला में आते रहते हैं। और सबका ज़्यादा मेन कंसर्न जो है वो है कि भाई मैं टिकता नहीं हूँ ज़्यादा, या फिर इरेक्शन जितना चाहिए उतना आता नहीं है, जितना कड़क होना चाहिए उतना कड़क होता नहीं है, फिर बहुत ताकत लगानी पड़ती है मन की और फिर उसमें मज़ा नहीं आता है। मैं आप ऐसी पाँच चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप करते हैं घरेलू उपचार है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। नंबर एक जो है उसमें वह है सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज में बहुत ताकत होती है, एंटीऑक्सीडेंट है प्याज। प्याज को काटना है, सफ़ेद प्याज मक्खन में उसको भूना है और रोज़ एक चम्मच आप ये प्याज खाने का है। देखिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये 6 हफ्ते तक आपने रोज करने का है। सफ़ेद प्याज काटना, मक्खन में भूना और बाद में एक चम्मच रोज खाना, ये हो गया पहला। नंबर दो जो है वो है तनाव से दूर रहना। स्ट्रेस यदि बहुत ज़्यादा है दिमाग के ऊपर तो इच्छा तो होती है मगर इरेक्शन होता नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि स्ट्रेस है तो इच्छा ही नहीं होगी, वो भी होता है। तो तनाव से दूर रहे और उसके लिए मेडिटेशन, हिप्नोटिज्म, ये करने का है। नंबर तीन जो है वो है लहसुन। लहसुन की 3-4 पंखलियाँ इधर आप उसको फ्राई करके ले सकते हैं, उसके छिलके समेत उसको फ्राई करना, बाद में छिलके निकालना और खाना, बहुत बढ़िया लगती है। उसमें नमक या मिर्ची डालते हो तो बहुत बढ़िया लगता है, ऐसे लहसुन खाना फ्राई करके, या फिर लहसुनी मेथी, लहसुन राइस, मतलब ऐसे अलग अलग लहसुन के प्रकार है वो आप खा सकते हैं, या फिर आप सब्जी में लहसुन डालते हैं तो लहसुन खाते हो तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। एक तो उत्तेजना बढ़ाता है लहसुन और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। 3-4 पंगलियाँ रोज खाने की है। चौथा आइटम जो है वो है बादाम। बादाम जो है वो प्रजनन क्षमता बढ़ाता है। बादाम में सेलेनियम है, झिंक है बहुत अच्छे मात्रा में। 4-5 बादाम आप कच्चे खा सकते हैं या पानी में डुबाकर सुबह खा सकते हैं। बादाम का शेरा, बादाम का हलवा, बादाम और काजू मिक्स, ऐसे अलग तरह से आप खा सकते हैं। मतलब 4-5 बादाम खाएं रोज तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जिंक बादाम में अच्छा है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में फ़ायदा होता है। पांचवा है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट सेक्स पावर बढ़ाता है, एंडोर्फिन्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको डार्क चॉकलेट, आप उसके एडिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी लत नहीं लगना चाहिए। अदरवाइज़ डार्क चॉकलेट लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इरेक्शन में होता है। ये पाँचों चीज़ें, नंबर एक सफ़ेद प्याज, नंबर दो तनाव से दूर रहना, नंबर 3 लहसुन, नंबर 4 बादाम, नंबर 5 डार्क चॉकलेट, ये 5 उपाय आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको इरेक्शन में और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ ना भूले कि आपको मेडिसिन लेना है। मेडिसिन में SSRI, सरेट्रालिन बहुत कारगर है, फ्लॉक्सिटिन, डेपॉक्सिटिन, ये दवाइयाँ, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डानाफिल, एवानाफिल, ये PDE5 इनहिबिटर्स बहुत काम के हैं। बहुत ज़्यादा प्री मैचुर इजैकुलेशन हो रहा है, हाथ लगाते सी, आज ही मेरे पास में आया था व्यक्ति, बोले हाथ लगाते सी निकल जाता है, मतलब इतना प्री मैचुर इजैकुलेशन है। तो उसमें डेफिनेटली आप लोकल एनेस्थेटिक लगा सकते हैं, क्रीम, जेल, लोकल एनेस्थेटाइज, कंडोम्स पहन सकते हैं, दवाई खा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा सीवियर प्री मैचुर इजैकुलेशन है तो पहले हाथ से करके
फिर बाद में आप सेक्स कर सकते हैं दवाई खा के, तो आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ काउंसलिंग करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, संतुलित आहार, अच्छी नींद लेना, ये सभी फायदेमंद है। अर्थात टोबैको और शराब से दूर रहना ये बहुत ही अच्छा है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो बहुत लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।